तो गाइस आपने वीडियो देख ही लिया होगा, ठीक है। तो जी और जीने दो करके बहुत तेजी से वीडियो ये वायरल हो रहा है। इसमें बीएसएफ का एक जवान है, ठीक है। तो आप फेक न्यूज मत फैलाओ सर, अभी जिंदा है, ठीक है। और मेरे ऐसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप स्टेटस वगैरह मत लगाओ कि सर शहीद हो गए, सर अभी जिंदा है। और मैं बैकग्राउंड में लगा दिया हूँ, ठीक है। आप देख लो, यही सर है जो कि ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जी और जीने दो करके, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल मत करो, सर ये अभी जिंदा है, और अपने स्टेटस में भी मत लगाओ, ठीक है। आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो कि एक मेरे फ्रेंड है वो सर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए आप कुछ बताओ, ये फेक न्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है। सो देखो भाई, मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगली बार जो कोई भी न्यूज़ आपको मिले तो उसको अपने स्टेटस से मत लगाओ, उसको बिना जांच पड़ताल के उसको फॉरवर्ड मत करो भाई। क्योंकि यार बहुत ही, मैं सुन के बहुत दुख हुआ कि यार जो सर जिंदे उसको आप मुर्दा घोषित कर दो, उसको आप जीते जी मार दे रहे हो, बहुत गलत बात है। और ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ अब हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ ऐसे आप गलती वापस ना करें। और भाई आप जाके देख लो भाई, आप इसका चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लो, अभी जिंदा है, खुद अपने मुंह से बोल रहे। और उनका सोशल मीडिया हैंडल पर जाके आप चेक कर सकते हो। और जियो और जीनो दो के लिए भाई सैल्यूट भाई, बहुत ही खतरनाक भाई मुझे लगे। जिस भैया ने ब्लॉग वीडियो बनाया है मैं उनका लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पूरा चेक कर लो, ठीक है भाई, जाके देख लो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और भाई मैं क्या बोलूँ भाई, यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगली बार से कोई भी न्यूज़ को ऐसे फॉरवर्ड ना करें भाई। क्योंकि यार उनको कितना दुख हुआ होगा कि भाई उनके घर वालों को कितना दुख हुआ होगा, हाँ घर वालों को बहुत दुख हुआ होगा भाई, क्योंकि उनके तक वीडियो पहुंच गया होगा अभी तक। तो वो लोग ही बोल रहे होंगे भाई ऐसे कैसे, मतलब हमारा लड़का ऐसा हो गया। स्टेटस पे ना शेयर करें, मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि सर अभी जिंदा है, वो अभी जिंदा है। और आप चाहो तो आप इस वाले वीडियो का जितने भी दोस्त सबको शेयर करो, आपके जितने भी फ्रेंड है जो कि इन जो फेक वीडियो फैला रहे, तो उनको अपने दोस्त को ये वाला वीडियो जाके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं भी शेयर कर दो कि भाई अभी जो सर है जिंदा है, मरे नहीं है। तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना था। और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट क्यों बना रहा हूँ, मैं भी थोड़ा रिसर्च करके चेक किया कि ये सर अभी जिंदा है, ठीक है। जो भैया ने ब्लॉग वीडियो में बनाया था उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है कि सर ये जिंदा है, अब फेक न्यूज मत फैलाओ, ठीक है भैया लोग। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे कितने बार हाथ जोड़ूं कि फेक न्यूज मत फैलाओ, ये अपने देश के जवान है, ठीक है। तो आप ऐसा गलती ना करो, ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरा रिसर्च करने के बाद ये सब, इसलिए वीडियो लेट आ गया, हम पूरा रिसर्च कर रहे थे, तो कब से रिसर्च कर रहे थे कि भाई एक्चुअल में सही है या फिर न्यूज़ कैसा है। तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा वायरल मत करो, सर शहीद हो गए, सर अभी जिंदा है, ठीक है, सर अभी जिंदा है, अब फेक न्यूज मत फैलाओ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।